सूत्र की कोशिश होती है कि वो आम जनता से जुड़े मुद्दों को सिस्टम और सरकार तक पहुंचाए, और किसानों से जुड़े एक मामले में द सूत्र की यह कोशिश रंग लाई है। एक तरह से द सूत्र की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। मध्यप्रदेश सरकार ने 0% ब्याज स्कीम का किसानों को फायदा देने के लिए कर्ज चुकाने की तारीख अब 31 मई 2023 तक कर दी है। इससे पहले किसान 20 मई तक कर्ज चुका सकते थे। देखिए हमारे संवाददाता राहुल शर्मा की ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग के सचिव विवेक पोरवाल ने पत्र जारी करते हुए लिखा कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा खरीफ 2022 सीजन में किसानों को जो अल्पकालीन लोन दिया गया था उसकी ड्यू डेट पहले 28 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2023 किया गया। इसके आगे लिखा है कि सरकार ने फैसला लिया है कि ऐसे सभी किसान जिन्होंने समर्थन मूल्य पर अपनी फसल जैसे गेहूं, चना, मसूर, सरसों बेची है, उन्हें तकनीकी या फिर किसी और कारण से राशि मिलने में देरी हुई है, उसे ध्यान में रखते हुए 0% स्कीम के लिए ड्यू डेट 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई 2023 की जाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने 9 मई को कैबिनेट बैठक में 0% ब्याज का लाभ देने के लिए कर्ज जमा करने की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया था। उस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रदेश सरकार को किसान हितैषी बताते हुए इस फैसले का पुरजोर गुणगान किया था, लेकिन द सूत्र ने 11 मई को अपनी खबर में बताया था कि कर्ज जमा करने की तारीख बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सरकार किसानों को समय पर गेहूं का पैसा नहीं दे रही है और इसलिए हजारों किसान डिफॉल्टर हो जाएंगे। 24 मई को द सूत्र ने एक बार फिर सरकार के इस फैसले का एनालिसिस किया और जिसका डर था वो ही हुआ। किसानों को समय पर पैसा नहीं मिला और नतीजा ये रहा कि 60,000 किसान डिफॉल्टर हो गए। मध्य प्रदेश में 20 मई तक 3400 से ज्यादा सरकारी खरीदी केंद्रों पर गेहूं की खरीदी की गई। 7,96,190 किसानों ने कुल 70,97,065 मीट्रिक टन गेहूं सरकार को बेचा। करीब 7,36,000 किसानों को 13,939 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का भुगतान किया गया। करीब 60,000 किसानों का 1,142 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हुआ था और अब उम्मीद की जा रही है कि ये 1,000 करोड़ बचे हुए 4 दिनों में किसानों तक पहुंच जाएंगे और वो कर्ज चुका सकेंगे। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।